ऐड आती थी कि भाई यहाँ पे चले आके वड़ा पाव खाओ। ये आलू का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, आपके सारे फ्रेंकी आलू के साथ ही रहते हैं? एक्चुअली सब में आलू डालता ही है। काफी दिन में टिक्की लग जाता होगा मक्खन का? हाँ। कितना लगता है? 5-6 किलो लगता है। 5-6 किलो लगता है। आपका तो जो डोसा बोला वो मिल जाएगा। बार। हाय गाइस, सनमित दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और अभी आपको दिखा रहे हैं खाऊ गली का खाना कहाँ पे। अभी हम लोग हैं भाईंदर में, स्टार्ट करेंगे भाईंदर वेस्ट की खाऊ गली में। अलग अलग चीज़ें पहले अन्ना फ्रैंकी से फ्रैंकी लेते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते रहते हैं। वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, लेट्स बिगिन। सब में आलू पड़ता है? आलू। ये कौन सा है, शेजवान वाला? आप एक शेजवान वाला लगा देना मेरा। क्या ये भाईंदर वेस्ट खाऊ गली पड़ती है? भाईंदर वेस्ट खाऊ गली पड़ती है। स्पाइसी चाहिए तो स्पाइसी मिलेगा, मीडियम चाहिए तो मीडियम मिलेगा। शेजवान तो स्पाइसी होगा, आपको जैसा चाहिए ऐसा मिलेगा। स्पाइसी स्पाइसी कर दो, लाइट स्पाइसी, स्पाइसी मीडियम। ये वाला कौन सा है? ये स्पाइसी वाला चटनी है। अच्छा, तो आपका ये अन्ना फ्रेंकी फ्रेंकी। अच्छा, एक इधर भी देखा था मैंने, उधर कॉर्नर पे रहता था। हाँ, अभी थोड़ा अभी इधर शिफ्ट आया। हाँ, तो कितना टाइम हुआ इधर? आज जी। ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा। ये आलू का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, आपके सारे फ्रेंकी आलू के साथ ही रहते हैं? एक्चुअली सब में आलू डालता ही है। इधर फ्रेंकी बोलते हैं, दिल्ली में रोल बोलते हैं, वही एक ही बात होता है। हाँ, सब जगह अलग अलग है, अपना साउथ में भी रोल कुछ अलग बोलते हैं। आप कहाँ से हो? मैं साउथ इंडिया। साउथ में रोल को क्या बोलते हैं? उधर रोटी रोल, रोटी रोल बोलते हैं। हाँ। तो मैदे का ही रहता है सबका? नहीं, अलग अलग है, उधर आटा का रहता है। आटा का रहता है। हाँ। उधर अक्की रोटी भी बहुत चलता है ना? हाँ, चावल का, चावल का नॉर्मल वाला। क्या प्राइस होता है इसका? 30 रुपीज। और आपके टाइमिंग क्या रहते हैं? दोपहर को 12 बजे से रात को 11:30। 11:30 तक ये मार्केट चलती है पूरी? मार्केट चलती है। गाइस आइए, लेट्स स्टार्ट टेस्टी वाले फ्रैंकी। इसको दिल्ली में रोल बोलते हैं, तो मैं इसको रोल बोलने का मुँह पे चढ़ा हुआ है। भैया को मैंने बोला था स्पाइसी बनाना, स्पाइसी तो बना दिया, पर वो तीन एक साथ बन रहे थे ना, भैया ने चीज़ वाला पकड़ा दिया, और ऑनेस्टली चीज़ वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मुंबई का ना एक्चुअल में फास्ट फूड है फ्रैंकी। फास्ट फूड क्या होता है, कोई भी चीज़ आई उठाई खाए चलते बने। फ्रैंकी, वड़ा पाव आर दोज टू थिंग्स कि मुंबई के फास्ट वर्ल्ड को मैच करता है वो खाना। टेस्टी यार, इस मार्केट में बहुत सारा खाना है और मार्केट की वाइब बहुत प्यारी है। और खाना दिखाते हैं आपको भाईंदर वेस्ट, कौन सा खाऊ गली का। चलो मैं उधर पहुंचता हूँ, आ जाओ। अभी हम लोग अपनी अगली जगह पे हैं, पीछे आपको दिखाया फ्रैंकी, अब दिखाएंगे वड़ा पाव। रात में वड़ा पाव, दिन में वड़ा पाव खाने का कोई टाइम नहीं है, मतलब जब मन करे जस्ट ग्रैब अ वड़ा पाव एंड गो, ग्रैब एंड गो वाली मील है ये। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, छलिया वड़ा पाव पे खाऊ गली में। कौन सी वाली? भाईंदर वेस्ट की खाऊ गली। अच्छा, वड़ा पाव का टाइमिंग क्या रहता है? 4 से 10। 4 से 10। अरे खाऊ गली कितने बजे तक रहता है टोटल? 11:30 बजे। 11:30 बजे तक। तो इसका आपका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस क्या है? भाईंदर वेस्ट खाऊ गली छलिया वड़ा पाव, खाऊ गली के सामने, सामने खाऊ गली के एकदम सामने, पेड़ के नीचे। हाँ, पेड़ के नीचे लाइट जल रही होगी, दिख जाएंगे। हो गया 48 ईयर्स हो गए। अच्छा, मुंबई में तो हर अलग अलग वड़ा पाव की ना खासियत है, आपके वाले की क्या खासियत है, लोग क्या पसंद करते हैं ऐसा, ये लोगों से पूछो। लोगों का प्यार है जो आते हैं, अब लोगों से पूछना पड़ेगा ये सब। मैं देख रहा हूँ बहुत रश है, अभी रात के 9 बजने वाले, तभी भी इतना भीड़ है। बड़ा पाव निकल रहा है, बटाटा निकल रहा है, जा रहा है, गायब हो रहा है। आपका क्या नाम है जी? राजा। राजा जी, तो ये छलिया बड़ा पाव कैसे, मतलब नाम कैसे पड़ा? छलिया बड़ा पाव इसे जो तो अपना दादाजी थे, हाँ, उनको लोग छलिया छलिया बोलते थे। अच्छा, उनको निकनेम दे रखा था, प्यार से बुलाते थे। अच्छा, तो दादाजी के जमाने से जब बम्बई में आए वो लोग, हाँ, 75 में। आप पीछे से कहाँ से? यूपी से। आपकी आवाज़ में वो यूपी वाली मिठास है, बहुत बढ़िया। तो दादाजी ने सोचा मुंबई में है तो मुंबई वाला खाना बनाते हैं, वड़ा पाव खिलाते हैं, तो वो आप तब चलाई जा रहे हैं आप तब से। क्या रेट रहता है अब इसका? 15 रुपये। उन्होंने चालू करा होगा तब तो बहुत कम होगा, 1-8 है ना,
आठ है ना फिर क्या बता एक सिनेमा था उसमें कौन सा सिनेमा संतोष सिनेमा संतोष सिनेमा में ऐड आती थी कि भाई यहाँ पे चलिए आगे वड़ा पाव खाओ। हाँ भाई ये एडवर्टीजमेंट वाला वड़ा पाव हो गया बहुत बढ़िया। तो ये आमतौर पे जैसे वो घाटी मसाला जैसे होता है लहसुन चटनी वही ये चीज़ है पर ये थोड़ा रंग इसका अलग है ना तो कैसे चीज़ें सेम पड़ती है इसमें वही इधर चूरा भी डालते हैं कोई मेरे को बता रहा था कि इसमें चूरा भी डालता है आप डालते हैं अच्छा आपके लिए खा के देख लो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। हाँ फिर से मैं इंतजार नहीं हो ना गरम गरम निकलेगा पाव में पड़ेगा तो खाएंगे एक मिर्चा भी लगवाएंगे साथ में मिर्चा है मिर्ची ऐसे जब मम्मी तल रही होती है ना किचन में मम्मी कहती है किचन से बाहर हो जा फिर वो मम्मी को डर रहता ना कि बच्चे को लगना जाए तो मालूम पड़ गया है आज बढ़िया मम्मी भी किचन में ट्रेंड है कि हमारे लग जाए बच्चे दूर हो जाए बस मिर्ची फ्राई करना बड़ा खतरों का काम होता है। हाँ ये थोड़ा अच्छे से दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का अलावा बहुत खतरनाक गर्म है खतरनाक गर्म जो लोग आके इतने प्यार से बता रहे हैं कि भाई इनके वड़ा पाव में ये बढ़िया उसका ज़्यादा मज़ा आ रहा है इतना टेस्टी गरम गरम वड़ा पाव चटनी और सो सॉफ्ट खासकर जो मुंबई का पाव है ना तो गुई गुई बहुत सही मज़ा आ गया। अब चलते हैं तीसरी जगह पे कुछ और बढ़िया खाना दिखाएंगे एक सेकंड रुको कैमरा को पैन करते हैं ज़रा दिखाते हैं भेजी भाजी की वीडियो वाले देखने वाले लोगों को भी एक हाई कराते हैं सब ऐसे हाई करो हाय मिनी मीटअप टाइप हो गया हाय बाय हाय मेरा भी लगा दो मैसूर मसाला ही लगा दो क्या नाम क्या आपके इसका राजा डोसा राजा डोसा कोनो 1996 से अच्छा काफी दिन में टिक्की लग जाता होगा मक्खन का हाँ कितना लगता है 5-6 किलो लगता है 5-6 किलो लगता है पूरा बटरी रहता है ना तो क्रिस्पी होता है उससे डोसा बराबर आपका क्या नाम है राजा मेरा नाम पीटर पीटर तो राजा डोसा कैसे नाम आया राजा डोसा मेरे बड़े भाई है साथ में थे इधर अच्छा तो ये मैसूर मसाला लग रहा है नहीं ये मैसूर मसाला जैन बन रहा है जैन मैसूर मसाला और वो वाला कौन सा बन रहा है ये जैन मैसूर है इसमें शिमला गोभी टमाटो आता है हाँ, नहीं ये और वो सादा प्लेन बनेगा अभी प्लेन बन रहा है हाँ सामने अच्छा। सर का है ठीक दो मिनट लगा पीटर भाई हमारा भी बाद में लगेगा दो मिनट ये सादा डोसा पहले दे दो सामने वो सर को दे भीड़ से बना रहे हो पीटर भाई यस सर जैन मैसूर अच्छा सांभर में आपका कांदा लहसुन नहीं रहता नहीं सर जैन है ओनली प्योर जैन है अच्छा सब कुछ हो जाता यस सर सर सादा डोसा ले लो आ जाओ साथ में आ जाओ आइए पीछे आ जाइए बैठे जगह है पीछे आ जाओ ये मिक्स मैसूर मसाला ये हमारा लगा रहे हो हाँ बराबर थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा यस ठीक है सर स्पाइसी और क्रिस्पी ओके सर भाई मसाला साइड में करो ओके सर अरे मेरा भी मसाला साइड में करना था ओके सर कर दोगे कर देंगे कर देंगे अभी बन रहा है स्टार्टिंग आपका ही है कितना टाइप का डोसा रहता है आपके पास पूरा 500 का है हाँ जितना अच्छी उतना मिलेगा आपको जो डोसा चाहिए ना अच्छा। डोसा वो मनाएंगे अपने स्टाइल बोलो कौन सा खाना है यस सर तो मिलेगा बड़ा आप कहाँ से हो तमिलनाडु तमिलनाडु यस सर ये किधर इधर आना भाई यस यस ये जैन है प्योर जैन है ना इसके लिए अच्छा यस बॉस दो मिनट अब अच्छा अब इसका मसाला अलग से चाहिए तो ये प्लेट में आ जाएगा जैसे पाव भाजी डोसा का आ जाता है सेम 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 पाव भाजी डोसा मिल जाएगा आपको मिल जाएगा हाँ आपका तो जो डोसा बोला वो मिल जाएगा बराबर बराबर यस सर ना टाइमिंग क्या रहता है आपके मॉर्निंग 10 से लेके
शाम को 11:30 बजे तक है। अच्छा, जब तक खाऊ गली है। बराबर बराबर। तो सुबह आते होगे तो खाऊ गली नहीं होती होगी। सुबह चालू है ना सर? चालू है। मॉर्निंग में डोसा चालू है। खाऊ गली है। बराबर है। सुबह वड़ा पाव वाला रहता होगा, आप रहते होगे। बराबर बराबर। चलिया वड़ा पाव रहता है। चलिया वड़ा पाव रहता है। बराबर सर। तो स्पाइसी चाहिए ना? वो स्पाइसी। ये लहसुन वाला था? हाँ, लहसुन की लाल चटनी। लाल चटनी। तो इसको ये मैसूर क्यों बोलते हैं डोसे को? मिक्स मसाला आता है और बीट एक्स्ट्रा आता है, इसमें हेल्दी चीज रहता है। अच्छा, बीट से था इसके लिए मैसूर मसाला बोलते हैं। और बॉम्बे साइड में क्या है, मैसूर मसाला के खाली चटनी लगाते हैं। अच्छा, तो अपना क्या है? वो मैसूर पेस्ट होता है ना एक। बराबर है, वो रहता है। तो आप बीट्स भी डालते हैं इसमें। बस बराबर। ये डोसा आ गया और ये मक्खन के साथ एकदम लोडेड। ये लग गया हमारा मैसूर मसाला डोसा। क्यों नहीं, मेरे को ना मैसूर मसाला डोसा बहुत पसंद है। यहाँ पे आया, मेरे को पीटर भाई ने बताया कि मैसूर पेस्ट होता है बट यहाँ पे वो बीट्स के साथ डालता है, अपेरेंटली थोड़ा हेल्दी हो जाता है, समथिंग समथिंग। ये पूरा ये वाला डोसा तो मैसूर प्लेन हो गया। ये सामने जो पूरा इतना लोडेड देख रहे हो ना, ये इसका मसाला है, बटर से लिबड़ा हुआ। और ये चीज़ इसमें वेजीज पड़ा है। ये मैंने नॉन जैन वाला लिया तो इसमें कांदा लहसुन है और ये सांभर है। थोड़ा सा सांभर लेते हैं। एकदम मस्त वीडियो बन रही है, क्या मस्त खाऊ गली का वाइब आ रहा है। मसाला एकदम अलग है। मैंने बहुत सारे मैसूर मसाला डोसा खाया, ऐसा वाला मसाला नहीं खाया, एकदम चटपटा सा और चटनी भी एकदम गाढ़ी गाढ़ी थी। बहुत मस्त लग रहा है और इनकी हॉस्पिटैलिटी ऐसी है, ये डोसा इन्होंने रख दिया कि आराम से खाना एंजॉय करना। ब्यूटीफुल। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वेजी बाजी का, मुंबई की गर्दी का बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बन रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके सर्च करिए वेजी बाजी मुंबई की गर्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। ऐसी बात करेंगे किसी और बढ़िया वीडियो में, कुछ और बेहतरीन खाना खाते हुए।